रोतन नदीम है आज। जब वो एंटर हुए ना तो ऐसे ग्लासेस गॉगल्स वगल्स पहन के, और इन्होंने इंट्रोडक्शन, मैंने मुझे इन्होंने कहा भी कि मीट आ हीरो, एंड आई रियली थॉट ही वाज सम फिल्म एक्टर, ही लुक्स सो डैशिंग विद दैट चश्मा एंड बढ़िया, एंड फिर बोले कि ही इज द पेंटर। आई सेड वाओ, इनका अपना ही एक और इतना अच्छा है ना, हिज ओन पर्सनैलिटी, ही इज सो पॉजिटिव एंड सो क्यूट लविंग, बहुत प्यारा बच्चा है, एंड ही सो यंग, इतना स्वीट है ना, भगवान ने उसको कितना, आई मीन ही इज सो टैलेंटेड, हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, मुझे तो लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, इतना टैलेंटेड है ये लड़का। आई मीन उसने कितनी अच्छी तरह से ये पेंटिंग की है, देखो मेरे बालों को और भी बेटर बना दिया, मेरी आंखों को और भी एक्सप्रेसिव कर दिया, आई मीन ही सो गुड, आई कांट, आई डोंट हैव वर्ड्स, यू नो क्या होता है ना कि स्पेशली जब इंसान किसी चीज़ की जो कमी होती है ना इंसान में, तो भगवान इनको दूसरी जो देन होती है ना, जो कि क्या कहते हैं स्पिरिचुअल गेन, यू नो देयर, उनके अंदर वो ज़्यादा कूट कूट के आ जाती है, भर जाती है उनके अंदर, और वो लोग हमसे ज़्यादा, यानी कि ही विल सी थिंग्स बियॉन्ड व्हाट वी थिंक और व्हाट वी सी, उनका जो परस्यू करते हैं चीज़ों को, वो बहुत गहराई होती है इसमें, इसलिए वो बात वो फ़ोटो में ले आते हैं। इनकी जो दूसरी तस्वीरें भी मैंने देखी हैं, तो उनके जो चेहरों के, इनके आँखों में जो एक्सप्रेशंस आए हैं स्माइल के बारे में, दे आर सो ऑनेस्ट एंड सो जेन्युइन, जो एक जेन्युइन, हम जैसे एक नॉर्मल पेंटर भी, मैंने कई पेंटिंग्स दूसरे जहांगीर आर्ट गैलरीज में भी मैं गई हूँ, एंड देयर आर मेनी पेंटर्स एंड आई हैव बीन सीइंग एंड, बट ये जो बात मैं देखती हूँ ना, जो एक्सप्रेशन ये लेकर आते हैं अपनी तस्वीर में, ये कोई आम इंसान नहीं, दिस इज गॉड गिफ्टेड एंड ही इज़ ब्लेस्ड विद दैट गिफ्ट विच इज़ ही इज़ ब्रिंगिंग इट आउट इन हिज पेंटिंग। कैसे चार्ज अप होती है? देखो मेरा एक मोटो है लाइफ में, नेवर से डाई, आई टू बिलीव इन दैट, मैं हार में मानती नहीं कभी नहीं, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, क्योंकि मैं जिस माहौल से भी आई हूँ, बड़ी हुई हूँ, वेयर मी माई पापा मम्मा हम लोग, आई हैव वर्कड, आई स्टार्टेड माई करियर सिंस आई वॉज शायद 8-9-10 साल की थी, तब से, तो तब से मैं, आई हैव बीन वर्किंग एंड नाउ आई फील, यू नो जब भी ऐसा, ऑफकोर्स उतार चढ़ाव तो हर एक के एक्टर्स के लाइफ में आता है, कभी काम है कभी नहीं है, हाँ, सो कभी काम है कभी नहीं है, कभी लाइक यू नो जिस तरह से, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो मुझे डिप्रेस नहीं करता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नहीं नहीं आई मीन इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ यू नो, एंड आई एक्सेप्ट लाइफ द वे इट कम्स यू नो, हमेशा, हाँ, लाइफ को जिस तरह से आती है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, चाहे वो हार्डशिप भी आ जाए तो भी उसको मैं खुशी एक्सेप्ट करती हूँ, यू नो विद अ स्माइलिंग फेस, नेवर डू आई एवर गेट डिप्रेस्ड और नेवर डू आई फील सैड, मोमेंटरीली कभी हो जाता है बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन, बट मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मुझे मेरी बेटी का सपोर्ट है, एंड अबव ऑल मुझे ऊपर ऑलमाइटी का भी बहुत सपोर्ट है, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन क्राइस्ट एंड नाउ इज आई एम इन टू बुद्धिज़्म, तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, विद इन माई हार्ट इन साइड मी हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग and I'm happy about it and I know chahe kuch bhi ho mujhe kuch nahi hone wala kyunki mujhe pata hai mujhe sabhi logo ka aashirwad hai okay ma'am also know ki we all know that jo physical disabled hote hain wo bilkul bhi negative nahi hote bahut positive hote hain life ko bahut easily lete hain bahut lightly lete hain lekin jo disabled hain wo bahut negative hote hain sochte hain suicide kar le ya kuch aur kar le to ye totally old sa part thinking ho gayi hai aise आपके पास सब कुछ आपको रियलाइजेशन नहीं है तो ऐसा क्यों होता है क्या किस चीज़ की कमी रह जाती है जैसे हम नदीम को देख सकते हैं नदीम से हमने बात की इतने खुश हैं अच्छे से पेंटिंग कर रहे हैं और कोई लग नहीं रहा इनके चेहरे से किसी चीज़ की कमी है इनको लेकिन आप किसी भी एक भरे पूरे इंसान एक एक, एक एक मुझे एक छोटी सी एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी मुझे याद आ रही है जैसे साई हैं साई बाबा से किसी ने कहा कि बाबा आप इतने महान हैं फिर भी आप ज़मीन पर क्यों बैठते हैं तो बाबा ने बहुत सुंदर बात उन्हें कही थी जवाब दिया बाबा ने कहा कि क्योंकि मुझे गिरने का डर नहीं है मैं कभी गिरूंगा नहीं ये सी तो वो सोच पे होता है कि वो इतने महान हैं तो ये जो कलाकार भी जो होते हैं ना दे आर बीइंग एन आर्टिस्ट दे आर वेरी क्लोज टू द ऑलमाइटी इनका स्पेशली द पीपल हु आर डिसेबल्ड उनकी सोच उतनी ऊँची होती है
तो उनको कोई चीज़ का ना मोह है ना माया, ना किसी के साथ कोई का क्या साथ है कि कॉम्पिटिशन है, नथिंग, यू नो, देयर हार्ट इज़ सो प्योर, दे ओनली बिलीव इन द टैलेंट विच गॉड हैज़ गिवन देम एंड दे शो दैट अक्रॉस देम. वेयर एल्स केयर नॉर्मल ह्यूमन बींग इन दिस वर्ल्ड दे हैव टू गो टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, और उनको जिंदगी के उतार चढ़ाव, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग चीज़ें होती है, कंपटीशन है इतना ज़्यादा, चाहे इस फील्ड में कहो या किसी और भी फील्ड में कहो, कहीं ऑफिस में काम करते, कहीं भी, यू नो, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनको काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़े और कभी वो बेचारे डिप्रेस हो जाए और डिप्रेशन में आके कभी कभी वो ये भी सोचे कि ये ज़िंदगी इस तरह से नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, लाइफ इज़ नॉट वॉट दे हैड एक्सपेक्टेड. बट आई वुड ओनली प्रे एंड से दैट आई विश दे कुड ऑल्सो हैव अ हार्ट लाइक दिस पीपल, यू नो, लाइक द डिसिप्लिन्ड वन. I mean, have a look at them also. Because where there is no expectation, na, there is happiness. The more you start expecting things from life, then the more you become, kya bolte, greedy. Because of all that expectations makes you so much greedy, and out of the greed, you know, you commit things which you should not. Kaafi duniya mein galat cheezein hoti hai, just as I believe it's all because of the greed. So have a simple living, have a simple heart. Have a heart which is close to the Almighty. Be like them. Be like Naeem, which I'm looking at him. So he doesn't know anything. He doesn't care for anybody. He's just concentrating in his drawing. And he's isliye main kehti hu na ki he's so close to God. He's भगवान का अवतार या भगवान की मूर्ति या वॉट जो भी नाम हम दे सके, you know, क्योंकि इस इंसान ऐसे बनेंगे तो फिर कुछ नहीं चाहिए हमें. हमें खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, छोटी चीज़ से भी हमें खुशी मिलेगी, यू नो, जैसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी मिलती है ना, वो भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी ले आएगी. दिस इज़ व्हाट आई फील. देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन माय माइंड दैट कि ये तो नदीम का एक सेल्फ मोटिवेशन है, चलो मैं पेंट करता हूँ, डिसेबल होते हुए वो खुद को एबल समझता है, लेकिन बहुत से लोग भीख मांगते हुए सिंगल्स पे आपको नजर आते हैं जो भरे पूरे होते हैं, उनके हाथ में सब ठीक होते हैं, वो क्या उनकी क्या लाइफ होती है, उनको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर कोई एक संस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमारा बॉलीवुड या हमारी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करे, वो उन ठीक होते हुए भी देखो, नहीं, हाँ, वो क्या है कि ये लोग ठीक होते हुए भी जो भीख मांगते हैं वो भी बहुत गलत है, मगर उनको लगता है कि एक ईजी जरिया है पैसे कमाने का कि हमको. और पता है जैसे अभी बीच में भी एक न्यूज़ आया था, यहीं चार बंगले के सिग्नल पे सम लेडी उसके बैग में से या उसके जहाँ पे उसका सामान था उसमें से शी हैड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रूमीज विथ हर. तो ये लोग, उनको एक इजी ज़रिया मिल जाता है ना कमाने का पैसे कम, तो इसलिए और लोग देते भी हैं इनको आउट ऑफ पिटी के बेचारे गरीब हैं. मगर वो एक तो बन के रो के नाटक करके सब कुछ करके लोग पैसे लेते हैं, हालांकि गलत है. और मुझे जहां तक मैं जानती हूं, मुझे लगता है गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश भी करती है कि इनको कहीं ना कहीं कोई एड मिल जाए या कोई मदद करे, मगर मैंने देखा है कि इनको नहीं चाहिए. दे डोंट वॉन्ट, दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ बिकॉज, बट इट इज़ वेरी रॉन्ग. It is very wrong. You should not do that. And you should not even encourage these people, you know. Especially जब मैं बच्चों को देखती हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे, मुझे बहुत दुख होता है. मेरा दिल करता है उनको बोलूँ कि या तो चल आ, मैं तुम्हें स्कूल में भर्ती करा देती हूँ, तुम्हें पढ़ाती हूँ. या कभी कभी किसी औरतें होती है जिसके के बिल्कुल और हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, फिर भी भीख मांग रही है. मैंने कहा चला मेरे घर आ जा, मैं उसको ऐसे भी बोलती हूँ तो एकदम से चली जाती है, भाग जाती है. नहीं काम करना है उनको, उनको कुछ नहीं करना, उनको बस वहाँ खड़े खड़े सिग्नल पे भीख मांगना है और अपना इंडिया का नाम बिगाड़ना है, और क्या. आई मीन देर आर, मैंने देखा है कि कितनी हमारे लाइक एनी फैमिलीज में भी देख लो, तेरा मिडिल क्लास लेडीज़ औरतें हैं, या तो 40 प्लस ले औरतें भी हैं, 50s में भी औरतें हैं, दे आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेस एंड एवरीथिंग एंड हाउ दे आर मेकिंग मनी. बट ना इनको काम करना है, ना इनको कोई पढ़ाई करना है, ना है कुछ नहीं, बस इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. हम लोग भी चाहते हुए इतने सालों से अब ज़िंदगी चलती आ रही है, बहुत लोगों ने कोशिश भी की है कि इन्हें बदलें, मगर अगर बदल जाए तो इट विल बी लाइक अ करिश्मा, भगवान की कुदरत का बहुत मुश्किल है इन्हें, इन लोगों को समझाना. लेकिन समझ जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी. और क्या आपके, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपको मिस करती है, इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन आपके रोल्स के उनके जरिए आप जाने जाती है, उन रोल्स के
नामों से आप जाने जाते हैं, तो अभी आने वाला क्या क्या है, कहाँ कहाँ देख रही हैं? आने वाली तो फिल्मों तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ सीरियल्स ना, तो मैंने अभी अभी शशि सुमित की जो सीरियल चल रही है दिया और बाती, उसमें मैं कर रही हूँ। फिर एक और शो है बेटी का फ़र्ज़, दैट आई एम डूइंग। और एक मैंने अभी साइन किया है जो बियॉन्ड ड्रीम्स का शो है, जो कि एंड ऑफ दिस मंथ आई थिंक सो शूट शुरू होना चाहिए। परिवार। Thank you so much.